प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वह लगभग 2.5 घंटे रहेंगे। इस दौरान काशी को अमूल प्लांट समेत 2,095.67 करोड़ की सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों की अधिक भागीदारी होगी। बनारस सहित देश भर के लिए डेयरी मार्क भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल प्लांट करखियाव की जमीन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपने हाथ से वाराणसी के 6 परिवारों को घरौनी का प्रमाण पत्र देंगे। इसमें 3 तहसील यानी सदर, पिंडरा व राजा तालाब के 2-2 परिवार शामिल होंगे। इसके बाद प्रदेश के 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन घरौनी जारी करेंगे। इसमें 35,000 परिवार वाराणसी जनपद के शामिल होंगे। लाभार्थियों के मोबाइल पर SMS आएगा। लिंक को खोलने के बाद घरौनी का प्रमाण पत्र मोबाइल पर दिखने लगेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 870.16 करोड़ की लागत से निर्मित 22 परियोजनाएं जनता के हवाले करेंगे। इसमें 6,41,00,000 की लागत से निर्मित 50 अशैया युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय ग्राम भद्रासी विकासखंड आराजी लाइन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 16,24,00,000 की लागत से काल भैरव वार्ड का पुनर्विकास कार्य होंगे। इसके अलावा 13,53,00,000 की लागत से निर्मित राजमंदिर वार्ड का पुनर्विकास कार्य, 16,22,00,000 की लागत से निर्मित दशाश्वमेध वार्ड का पुनर्विकास कार्य, 12,65,00,000 की लागत से हुए जंगमबाड़ी वार्ड का पुनर्विकास कार्य, 7,90,00,000 की लागत से गढ़वासी टोला का पुनर्विकास कार्य, स्मार्ट सिटी के तहत 3,02,00,000 की लागत से निर्मित नदीसर तालाब का विकास एवं सुंदरीकरण किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT News। NMT News को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।